इन दिनों अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बनी हुई ये लाजवाब मिठाई, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसके लिए रेसिपी को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम चावल का डो बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे एक पैन में एक कप दूध लिया है मैंने। दूध के साथ ही यहाँ पे एक टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। घी डालने से डो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। अब डालेंगे इसमें मिठास के लिए चीनी। तो यहाँ पे मैंने एक चौथाई कप चीनी ऐड किया है। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमें इसे तब तक चलाते हुए मिक्स करना है कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। तो लगभग 5 से 6 मिनट में चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा दूध में। उस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आप इसे फ्रेश बना के इस्तेमाल करते हैं तो मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आटा डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो पूरी तरह से ये सिमट जाएगा पैन में। तो इस तरह से इसे मिक्स करते रहिए, और यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देना है हमें। तो आधा कप चावल के आटे के लिए एक कप दूध, एक टेबल स्पून देसी घी और एक चौथाई कप चीनी की क्वांटिटी सही रहती है, मिठास भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है डो बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डो फॉर्म में आ गया है। तो सबको इकट्ठा कर देते हैं और इसे हम कवर कर देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, और ये 5 मिनट हो गया है यहाँ पर। तो अब इसे किसी बोल या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि हम इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से गूँथ सके। पूरी तरह से इसे ठंडा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में ये बाइंड नहीं होता है। अब डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए 1/4 छोटी चम्मच से भी कम इलायची का पाउडर। पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इससे। अब इसे अच्छी तरह से मसलते हुए हमें एक स्मूथ डो बना लेना है इसका। तो यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा सा गर्म ही रहता है, तभी हमें इसे अच्छी तरह से गूँथना होता है। इस पोजिशन में अगर आपके हाथों में जलन हो रहा हो तो ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और फिर से इसे गूँथिए, तो जलन कम हो जाएगी और आटा भी अच्छा स्मूथ हो जाएगा। तो लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर स्मूथ हो चुका है। और यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, लुक वाइज ऐसा दिखेगा, ये देखिए। तो अब हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा घी या तेल ले लीजिए हाथों को ग्रीस करने के लिए, ताकि वो स्टिक ना करे और एक अच्छा सा शेप आए मिठाइयों का। तो यहाँ पे मैंने छोटे नींबू के साइज़ का डो लिया है हाथों पे। थोड़े से घी से ग्रीस कर लेते हैं हथेलियों को और इस तरह से गोल करेंगे इसे। और यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल शेप की मिठाई बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, या फिर आप पेड़े की शेप की भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। तो इस तरह से गोल करने के बाद थोड़ा सा उसे लंबा कर देंगे तो इस तरह का शेप आ जाएगा। तो इसी शेप से मैं सारी मिठाई तैयार करूंगी, ये देखिए। तो दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। जब हाथों को लगे कि स्टिक हो रहा है आटा, तो थोड़ा सा घी से उसे ग्रीस कर लीजिए और फिर बनाइए। तो यहाँ पे दूसरी मिठाई भी तैयार हो गई है, और लगभग सारी मिठाइयों को मैंने तैयार कर लिया है। तो आधा कप चावल के आटे में मीडियम साइज़ की मिठाई इतनी सारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लास्ट था, और इस तरह से इसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक जाली स्टैंड लिया है। और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं घी या तेल से, ताकि जब ये स्टीम होके बाहर निकले तो नीचे से स्टिक ना करे। इसके बाद अरेंज कर लेंगे सारी मिठाई जो हमने बना के रखी थी, और थोड़ी दूरी पर रखिए, क्योंकि जब यह स्टीम होगा तो थोड़ा सा फैलता है साइज़ में। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखिए और इस तरह से अरेंज कर लेंगे, ये देखिए। अब स्टीम करने से पहले ढक्कन के नीचे आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लगा दीजिए, ताकि स्टीम में जब इसमें भाप बने तो वो कपड़ा एब्सॉर्ब कर ले, इसके ऊपर ना गिरे। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं इसे सेट कर देती हूँ। अब इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें 15 मिनट तक इसे स्टीम करना है। और जस्ट 15 मिनट के बाद ही इसे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है और हमारी मिठाई बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए, और ये आप देख सकते हैं साइज़ में ये थोड़ी सी फैल गई है। तो इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और लुक वाइज सुंदर बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने
एक चौथाई कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे पिस्ता को भी मैंने उसी तरह से ग्राइंड कर लिया है, ये भी एक चौथाई कप है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम कोट कर लेंगे मिठाइयों के ऊपर, ताकि टेस्ट वाइज, लुक वाइज सब तरह से ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगे। तो यहाँ पे सारे मिठाइयों को मैंने नारियल और पिस्ता के ऊपर रख दिया है। अच्छी तरह से इसे डस्ट कर लीजिए, ये देखिए इस तरह से कोट हो जाए चारों तरफ, और इसे किसी सर्विंग प्लेट में हम रखते जाएंगे और थोड़ा सा ठंडा करके हम इसे फिर सर्व करेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो इस मिठाई को देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये चावल के आटे से बनी हुई मिठाई है, इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और टेस्ट तो पूछिए मत, जब आप बनाएंगे तो आप फील करेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल इसी तरह से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। कम इन्ग्रीडियंट्स होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी मिठाई है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।